14 طائرة مسيرة أطلقها سلاح الجو اليمني المسير في यमनी सेना की ड्रोन यूनिट ने सऊदी अरब के भीतर एक बड़ा ऑपरेशन करते हुए राजधानी रियाज में किंग खालिद छावनी पर चार ड्रोन विमानों से बड़ा हमला कर दिया। यह हमला सम्माद 3 नाम के ड्रोन से किया गया। इसके अलावा जद्दा में किंग अब्दुल्ला अंतर्राष्ट्रीय छावनी, आरामको कंपनी की रिफाइनरी, अबहा अंतर्राष्ट्रीय छावनी, इसी तरह जीजान और नजरान में दूसरे कई सैनिक ठिकानों पर बड़े हमले कर दिए गए। यमनी सैनिक अफसर का कहना था कि दुश्मन को यह संदेश देना जरूरी है कि प्रतिरोधक कार्यवाही का ये चरण दरअसल यमन के इलाकों पर दुश्मन के हमलों का जवाब है और ये कि हम दुश्मन के प्रमुख ठिकानों पर बड़े हमले करने में पूरी तरह सक्षम हैं। الهجوم الجديد المتزامن في اكثر من هدف في العمق السعودي जब सऊदी अरब के भीतर एक साथ ये हमले हुए तो सऊदी अरब के कुछ सूत्रों ने बताया कि इन इलाकों में भीषण धमाकों की आवाजें सुनी गईं। इसके बाद कई एयरपोर्ट से विमानों की आवाजाही रोक दी गई। इससे साबित हुआ कि ये हमले पूरी तरह से कामयाब रहे और सऊदी अरब को संदेश भी पहुंचा। यमन के सैनिक अफसर का कहना था कि वर्तमान समय में ये बड़ा हमला कई तरह के संदेश दे रहा है कि यमन की राजधानी सना पर हमले को नजरअंदाज हरगिज नहीं किया जाएगा। इस हमले से सऊदी अधिकारियों को ये संदेश दे दिया गया कि यमन के मामले में कोई भी हिमाकत करने से बचें। यमन के लोगों में इस बड़े हमले पर काफी उत्साह देखने में आया और आम लोगों का कहना था कि जवाबी कार्यवाही करना हमारा अधिकार है क्योंकि सऊदी अरब ने हमारे देश पर हमला किया है। अब जरूरी है कि सऊदी अरब के हमलों का जोरदार जवाब दिया जाए। यमन की ओर से ये जवाबी हमला सऊदी गठबंधन की ओर से बयान जारी होने के समय किया गया। इस बयान में सऊदी अरब ने कहा था कि वो सनाह एयरपोर्ट पर हमले की योजना बना रहा है। इस बयान में सऊदी अरब ने कहा था कि इस एयरपोर्ट पर संदिग्ध गतिविधियां देखी जा रही हैं। हालांकि सनाह एयरपोर्ट बंद पड़ा है और यमन के लोगों का इंतजार है कि ये एयरपोर्ट जल्द खुल जाए ताकि मानवता प्रेमी सहायताएं भेजना संभव हो। सना से IRIB के लिए अब्दुल्ला यूसुफी की रिपोर्ट। With the help of God and in response to the aggression and its continuous crimes and siege, our armed forces carried out the operation of 8th balance of power by striking a number of pivotal military targets that belong to the Saudi enemy. استهداف قاعدة الملك خالد في الرياض بأربع طائرات targeting King Khalid base in Riyadh with 4 drones with the model Samad 3 عسكرية في مطار الملك عبد الله الدولي بجدة واستهداف striking military targets in King Abdullah International Airport in Jeddah as well as targeting Aramco facilities in Jeddah with 4 drones with the model Samad 2 striking different military targets in the areas of Abha, Jazan and Najran with 5 drones. في مناطق أبها وجيزان ونجران بخمس طائرات مسيرة بلغ عدد الطائرات المسيرة A total of 14 drones were used in the operation. Our armed forces stress that they are capable of carrying out more attacks against the Saudi and Emirate enemies as part of our defense of our land and nation.